वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ तांडे सर। तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, NHPC लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली ITI वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें इलेक्ट्रिशियन, फीटर, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, प्लम्बर और कोपा ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है। साथ में आप देखेंगे तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी अप्रेंटिस जारी किया गया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें तो नर्सिंग और होटल मैनेजमेंट और फार्मासिस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। लेकिन हमें NHPC से, जैसे हम टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज का जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसमें हम ITI वाले और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी की बात करेंगे। तो इसमें ITI वाले जो कैंडिडेट हैं इनके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें देखेंगे तो वैकेंसी का जो है क्राइटेरिया, NHPC अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए जारी की गई है। इसमें NHPC लिमिटेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2024 में NHPC जो है एक मिनी रत्न कंपनी है, शेड्यूल ए कैटेगरी में आती है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग में आती है। इसमें इनवाइट किया गया एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अंडर गोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर द 2024-25 अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन द ट्रेड मेंशन बिलो। NHPC अप्रेंटिसशिप फॉर ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें NHPC अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई ऑफलाइन बिफोर 30/4/2024, इसमें ऑफलाइन बोला गया है ना, तो जैसे इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे तब हमें और समझ में आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो NHPC जो है ये पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण द्वितीय के लिए है, जो उसमें आप देखेंगे तो ये HP जो है उसके लिए जारी किया गया है। अब देखते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन NHPC लिमिटेड है। डिवीज़न यदि हम देखते हैं तो बिरसा सुल पावर स्टेशन के लिए है। टोटल पोस्ट इसमें 57 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट है। एंड एप्लीकेशन मोड इसमें बाय पोस्ट है, मतलब कि ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन, तो ऑफलाइन ही आपको फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की 15/4/2024 से और लास्ट डेट है इसकी 30/4/2024। तो जिस स्टूडेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और अभी मिली है तो आप फॉर्म ज़रूर भर दें। और दूसरी बात, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो है हमसे जुड़े हुए हैं, हर स्टेट के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो सभी दोस्तों भाइयों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा, अप्रेंटिसशिप करना अति आवश्यक हो जाएगा। आने वाले समय में अप्रेंटिसशिप के बगैर वैकेंसी आप नहीं भर पाएंगे, इसीलिए अभी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की अप्रेंटिसशिप, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की क्यों निकाली जा रही, ये रीज़न यही है। तो डियर कैंडिडेट, आप अभी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए इसमें देखते हैं NHPC अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए। तो ITI अप्रेंटिसशिप के लिए 39 पोस्ट है, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 13 पोस्ट है, ग्रेजुएट के लिए 5 पोस्ट है। तो ऐसा टोटल 57 पोस्ट इसमें डिक्लाइन किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ट्रेड वाइज, तो ट्रेड वाइज में फीटर में 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन में 13 पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन सिविल में 2 पोस्ट है, सर्वेयर में 2 पोस्ट है, प्लम्बर में 2 पोस्ट है एंड डिप्लोमा में देखेंगे तो टोटल 18 पोस्ट है, ठीक है। जिसमें से सिविल इंजीनियरिंग की जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है उनके लिए है, याद रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग की इसमें 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 पोस्ट है, GNM की इसमें भी 4 पोस्ट है ग्रेजुएट के लिए। आप देख सकते हैं होटल मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट फार्मासिस्ट ग्रेजुएट के लिए भी वैकेंसी जारी की, टोटल 57 पोस्ट है इसमें। हाँ, अप्लाई कौन कर सकता है, NHPC अप्रेंटिसशिप जॉब। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन NHPC कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज क्वालिफाइड द ITI डिप्लोमा एंड डिग्री। तो जो क्वालिफाई आप कर रहे हैं या आपका ITI है, आपका डिप्लोमा है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी से या ऐसे कॉलेज से होना चाहिए जो गवर्नमेंट एफिलेटेड है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। NHPC अप्रेंटिसशिप जॉब ओपनिंग 2024 की एज लिमिट दी हुई इसमें, एक तो 18 साल और 30 साल, 18 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन प्रोसेस यदि हम देखते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस स्पेशली फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस है द एबो मेंशन फॉर द पोस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यूज। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो कैसे आपको अप्लाई करना है देख लीजिए, हाउ टू अप्लाई रिक्रूटमेंट अप्रेंटशिप, क्योंकि ऑफलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर द NHPC अप्रेंटशिप रिक्रूटमेंट 2024 मस्ट हैव बिलो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन प्रोसेस इंश्योर दैट द सबमिशन ऑफ द वैलिड कंसोलिडेटेड कंसीडर्ड हैज द स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले तो आप क्या करना है, इसकी ऑफिशियल अप्रेंटशिप पोर्टल में जाना है और IT पास कैंडिडेट के मतलब हैं आप तो IT के जो इसके अप्रेंटशिप इंडिया के ऑफिशियल साइट है www.apprenticeindia.gov.in पर जाना है आपको और उस पर सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, NATS पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है पोर्टल को और NHPC रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पढ़ना है आपको फुल। फिर आप फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विथ द इसमें परसेंटियल पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालना है। स्कैन द अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच टाइपिकली इंक्लूड एजुकेशनल सर्टिफिकेट आइडेंटिटी प्रूफ और फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद रिव्यू द इंफॉर्मेशन टू द एक्यूरेसी, कंप्लीट द सबमिशन एप्लीकेशन फ्रॉम द पोर्टल। फिर आपको मतलब फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद ऑफलाइन भेजाना है, ठीक है। फिर इसमें जो दिया है मस्ट इंश्योर दैट यू आर रिसीव्ड द कन्फर्मेशन सबमिशन विच में वाया ईमेल डिस्प्लेड ऑन द पोर्टल, मस्ट टेक प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने के बाद ऑफलाइन भेजाना है। सेंड देयर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड एड्रेस NHPC बाय स्टेप स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्रेशन पोस्ट या साधारण डाक से आपको पहुंचाना है, ठीक है। अब ये एड्रेस आपको दिया हुआ है, इस एड्रेस पर ही आपको भेजना है। एड्रेस क्या दिया हुआ है देखो, एड्रेस डिप्यूटी जनरल मैनेजर HR पार्वती HE प्रोजेक्ट, ठीक है, नगवेन डिस्ट्रिक्ट मांडी हिमाचल प्रदेश, पिन कोड दिया है 175121। तो इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे फॉर्म भरने की, हम उस पे लिंक पे जाएंगे तो सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, वहाँ से आप जाएंगे और फॉर्म भर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।